राजकुमार सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामायिक हस्तक्षेप है। ऐसे समय में जब हमें लगता है कि हमारे नायक नायिकाओं का, हमारे सामाजिक क्रांतिकारियों का जो विचार है, उनकी जो उनका जो संघर्ष है, उसको रिविजिट करने की बहुत सख्त जरूरत है। उस परिस्थिति में जिस तरह की देश और काल में इस समय पे व्यवस्था चल रही है, उसमें आप लोगों ने खासतौर पर जो हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस किया है और उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए एक जो प्रबोधन की प्रक्रिया है, जो संगठन की प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अवसर दिया आपसे रूबरू होने का। हमें मतलब खासतौर पे हम तीनों साथी जो है, सुकुमार जी और सोनाजी अरविंद जी, अक्सर हम लोग आते जाते रहते हैं और अच्छे बहुत पुराने हम लोग मित्र हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस सफल आयोजन को करने के लिए। इस तरह की बात यहाँ पे हो रही और अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप लोगों ने अपना भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन इसमें एंश्योर किया। अक्सर क्या होता है कि हम जाते हैं मंचों पे, बात करते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन जो हमारे आयोजन करता है, जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, और यहाँ तो हमारे युवा साथी हैं, तो उन लोगों ने भी इस जिम्मेदारी को महसूस किया और अपने आप को तैयार किया है। सब लोगों ने बहुत अच्छा अपनी बात रखने की, अभी तक तो ज्यादातर साथियों ने अपनी कविता ही रखी है, एक दो साथियों और दो साथियों ने शायद वक्तव्य अपना अभी तक रखा, तो मैं नाम लेना चाहूंगा बलराम का, बहुत अच्छा रहा, बलराम, सरोज, ध्रुव, मानव, सक्षम, पुनीश, ममता और अश्वनी, ये साथी अभी तक उन्होंने अपनी किसी ना किसी रूप में अपनी बात को सामने रखा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहूंगा कि हमारे जो तीनों साथी हैं, मैं भी अपने लिए काम, हम कम समय लेंगे, आप में से और ज्यादा जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो उनको ज्यादा समय दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हमें बुलाया है तो फिर अपनी थोड़ी बहुत बात रखना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बात कहना चाहेंगे। साथियों, जैसा कि कविताओं या कविता का दो यहाँ पे है और अच्छा लगता है क्योंकि कविताएं आपको भावुक बनाती है, कविताएं आपके दिल को छूती है, कहीं ना कहीं एकदम लगता है कि भाई बात कुछ होनी चाहिए, हाँ ये दम है जो वक्तव्य होते हैं और कविताएं होती है, उनका अलग अलग तरह का एक संप्रेषण होता है, एक संदेश होता है, इसीलिए पर्सनल लाइफ प्लेटो कहते हैं कि भाई ज्यादा कविताएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इंसान को भावुक बना देती है, इंसान को जो है वो उसके जो जो रेशनैलिटी है, उसकी जो सोच है, उसमें भावनाओं का कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के अंदर भावनाएं ना हो फिर कैसे काम चलेगा, इंसान मशीन नहीं हो सकता है, भावनाएं बहुत जरूरी होती है, उस इमोशनल कोड को टच करना जरूरी है, इसीलिए जो माहौल है उस माहौल में अपनी बात को रखते हुए मैं भी एक दो लाइन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत पुरानी है लेकिन जब आप कह रहे थे तो मुझे याद आ गई, शायद दो लाइन मुझे याद है तो मैं कहना चाहूंगा। किसी कवि से या किसी शायर से प्रेरणा लेके हैं, सब पूरे उनके नहीं है, एक आध दो चार शब्द उनके हैं, कुछ मैंने उसमें जुड़ा कि फकत खुला ही नहीं सर भी तेरा चाहत में, फकत खुला खुला बोलते हैं पगड़ी को, और ये आतताई जो है उनको संप्रेषित है, जो सामंती है, जो जातिवादी घाव है उनको संप्रेषित है कि फकत खुला ही नहीं सर भी तेरा चाहते हैं, तेरे अजीज तुझे इस तरह से चाहते हैं, रुलाए खून के आंसू जिन्होंने
हमको सदा रुलाए खून के आंसू जिन्होंने हमको सदा नसों से खून उनके खींचना हम चाहते हैं फकत गुलाल नहीं सब मिलना चाहते हैं। जज्बा बहुत जरूरी है, ये जज्बा होना चाहिए, उसको डर लगना चाहिए, अन्यायी को अन्याय करते हुए डर लगना चाहिए। जब वो बेलगाम हो जाता है तो ऐसे ही चलता है। अभी ममता ने इस बात को कहा कि भाई दहेज के नाम पे ताजुब करेंगे आप, दहेज के नाम पे लगभग 10,000 युवा लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है, लगभग 10,000 लड़कियों को हर साल। ये आंकड़ा कभी 8,000 हो जा रहा है, कभी 11,000 हो जा रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लड़कियों को, बहू को, डॉटर इन लॉज को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके इन लॉज के द्वारा क्यों जलाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं लग रहा है, उनको डर नहीं लग रहा है, उनको ये कहीं भय नहीं है। इसीलिए अन्याय अत्याचार जो है वो इसलिए होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अन्याय करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। हमारी पूरी बाबा साहब 1927 में इस बात को कहते हैं ब्रिटिश बॉम्बे लेजिस्लेचर में कि भाई अत्याचार रुकता क्यों नहीं है, ये अत्याचार हो क्यों रहा है? अभी भी 50,000 शेड्यूल कास्ट के ही खिलाफ लगभग एंटीसेमिटिक के केसेस होते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रेप्स एंड मर्डर के केसेस हैं। ये क्यों होते हैं? ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो अत्याचार करने वाला है उसको डर नहीं लगता, उसको ये भय नहीं है कि वो अत्याचार करने जाएगा तो कोई उसका हाथ काट सकता है, कोई उसकी गर्दन काट सकता है, कोई उसको जिंदा जला सकता है। जिस दिन उसको ये डर हो जाएगा, ये अत्याचार बंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब की उस बात को कई बार हमें याद रखने की जरूरत है कि पावर एट वन हैंड कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय पावर एट अनदर हैंड। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि बात को लागू करने से बात बनेगी। तथागत बुद्ध जिस बात को कहते हैं कि अरबों करोड़ों शब्द जो है वो खोखले हैं, अगर उनपे उन एक शब्द को, अगर हम एक शब्द को अपने जीवन में उतार लें, एक शब्द को अपने जीवन चर्या का हिस्सा बना लें, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। इसलिए इन संदर्भों में जब हम आज ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तव में उनके जीवन का संदेश क्या है और युवाओं के लिए उनके जीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बहुत क्या पूरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे विद्यार्थी हैं। शायद 7-8 लाख विद्यार्थी यहाँ पे हैं, ओपन स्कूल की बात करें और दोनों को मिला के, तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी हैं, 10,000 यहाँ पे शिक्षक हैं। इन 10,000 में से आप तो 5,000 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ओबीसी के भी शिक्षक हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मामला उस तरीके से नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो आपकी बात हो जाएगी। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता है, बल्कि प्रतिबद्ध प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक कमिटेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो आपकी विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करने चाहिए। और यहाँ पे ज्योतिबा फुले साहब का जो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि उन्होंने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया, जो बात कहनी थी डंकी के चोट पे बात की, चाहे वो इरेशनलिटी के खिलाफ है, चाहे वो कोगा पंडित व्यवस्था के खिलाफ है, चाहे वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जिस बात को उन्होंने रखा बहुत मजबूती के साथ रखा। तो ज्योतिबा फुले की मुझे लगता है कि जो खासियत है वो ये है कि वो अपनी बात को रखने की हिम्मत रखते हैं, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखने की हिम्मत रखते हैं। ये सामान्यतः आम तौर पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कब आता है, ये कॉन्फिडेंस इतना करेजियस इंसान कब हो जाता है, वो तब हो जाता है जब उसके अंदर प्रतिबद्धता होती है, उसके अपने अंदर अपने कर्तव्य के प्रति या अपने विचार के प्रति जब कन्विक्शन उसके अंदर आ जाता है तब ये होता है। और इस कन्विक्शन को हम अगर दूसरी बात से आगे बढ़ाएं, सिर्फ कन्विक्शन ही जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ज्योतिबा फुले सिर्फ ग्रंथ ही नहीं लिखते हैं, ज्योतिबा फुले सिर्फ थॉमस पेन की बात नहीं करते हैं या ब्लैक मूवमेंट की बात नहीं करते हैं या
बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ ही नहीं लिखते हैं, बल्कि उन ग्रंथों की लिखी हुई बातों को या जो उनके विचार थे उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में है, चाहे वो समाज सुधार के क्षेत्र में है, लगभग हर क्षेत्र में जो व्यक्ति 1882 में ये कहने की हिम्मत रखता है कि भारत में हर व्यक्ति को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।